कबीर साहिब से ही किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में किसकी आशा करना चाहिए। आशा के संबंध में विचारकों ने कहा है कि आशा ही जीवन है। जीवन जीने के लिए ही आशा की आवश्यकता है। जब आशा समाप्त हो जाती है तो मनुष्य जिंदगी जीने का संकल्प समाप्त कर देता है। महत्वाकांक्षा मनुष्य को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ पाने की इच्छा बहुत कुछ करने के लिए आपको तत्पर कर देती है। समय सरकता चला जाता है। हरि की तलाश कर रहे थे, भगवान का दर्शन करने की इच्छा थी। कभी कभी सपने में भगवान का दर्शन तुम करते हो तो वही दर्शन करते हो जो तुम्हारे मन में कल्पना हुई थी। जिस प्रकार की भगवान की मूर्ति देखा है, चित्र देखा है, और कुछ आपकी कल्पना उसमें जुड़ जाती है, स्वप्न में लगता है कि आज भगवान दर्शन दे गए। याद रखना, स्वप्न संकेत देता है जहां जहां जागृत अवस्था में तुम्हारा मन लगा रहता है वहां वहां के सपने आते रहते हैं। मन में जिस तरफ तुम्हारी रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है, उस तरह के सपने तुम देखते हो। किसी को भक्ति का सपना आता है, किसी को सत्संग का सपना आता है, और किसी को गुरु के दर्शन का सपना आता है। कोई बहुत पुण्य आत्मा है तो गुरु के रूप में उसको भगवान का दर्शन होता है। सपनों का भी प्रभाव होता है। सपने आपको प्रभावित करते हैं। सपनों से तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। कभी कभी बचपन में आपको पेड़ा, जलेबी, लड्डू खाने का सपना आता था, क्योंकि उस समय पेड़ा खाने में रुचि बहुत थी। कभी कभी तुम्हारी माता तुम्हें पेड़ा खिलाती थी, बनाती थी, और जहां जहां रुचि होती है जिन जिन चीजों में, उसका तुम सपना देख लेते हो। नौकरी
नरसिंहगढ़ तहसील के महान भक्त अंकित कुमार कह रहे थे कि मैंने स्वप्न में दो बार आपका समागम कराया है, अब तीसरी बार में जागृत अवस्था में समागम करना चाहता हूं। स्वप्न में खर्च तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम का आनंद पूरा मिला है। स्वप्न में भी प्रोग्राम होता है। कितने लोग स्वप्न में शादी विवाह भी करते हैं, कितने लोग स्वप्न में मारपीट भी करते हैं, कितने लोग स्वप्न में जेल की हवा खा लेते हैं, कितने लोग स्वप्न में देखते हैं कि हमारे पिताजी मर चुके हैं, हमारी वाइफ मर गई है, ऐसा स्वप्न आ जाता है और दुखी भी होते हैं। सपनों का खेल बड़ा निराला है। कम से कम जागृत अवस्था में तुम जो नहीं प्राप्त कर पाते हो, सपना अवस्था में उसे प्राप्त करने की अनुभूति करते हो कि वो मिल गया। कबीर कहते हैं, हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में भी कहा है, आपन तेज समारो वापे, तीनों लोक हाकते कांपे, अपने तेज को संभालो। हर मनुष्य के अंदर तेज होता है, लेकिन इस तेज को संभालना, तेज को नियंत्रण करना, ये बहुत कठिन होता है। हनुमान चालीसा कहती है, जो अपने तेज को संभाल लेता है, तेज तप से संभलता है, तप ज्ञान से संपन्न होता है। यदि ठीक से ज्ञान नहीं है तो तप के नाम पर भी तुम गप सप करते रहोगे। कितने लोग घर बार छोड़कर साधु हो गए। मैंने प्रयागराज कुंभ में, उज्जैन कुंभ में देखा, घर बार छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल गए थे और वहां बैठकर गांजा पी रहे, कपड़ा छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं पहना है, नग्न है, लेकिन गांजा की चिलम चल रही है। ये तप नहीं हो रहा है, अज्ञानता के वशीभूत होकर के नशा व्यसन में डूबे हुए लोग निज आत्म का कल्याण कैसे कर सकते हैं। कितनी महिलाएं भी घर बार छोड़कर साध्वी बन जाती है, उसके बाद वृंदावन में जाकर, मथुरा में जाकर, हरिद्वार में जाकर न जाने क्या क्या प्रपंच बनाती रहती है। घर गांव के लोग सोचते हैं कि महान बन गई है और वो जाकर बेईमान बन गई। घर छोड़कर साधु बन गए, कहीं दूसरी जगह मोह में फंस गए। ये मोह का जाल, माया का जाल साधारण जाल नहीं है। तुम एक जाल से छूट नहीं पाते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जाल तैयार कर लेते हो। तुम्हारी आदत मकड़ी जैसी है, जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं बुने हुए जाला में फंस जाती है और मकड़ी उसी में मर जाती है। याद रखना, ये बहुत बड़ा जाल है, माया जाल, मोह जाल, लोभ जाल, अहंकार का जाल, ईर्ष्या द्वेष का जाल, ये साधारण जाल नहीं। और यही जाल जब बढ़ जाता है तो ये जाल जंजाल बन जाता है।
जंजाल बन करके फिर बंधन की जंजीर बन जाता है। तब तुम रोते हो और कहते हो कि मेरे पांव पड़ी जंजीर मुझको कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान होता है, लेकिन सोने की जंजीर को तोड़ना कठिन होता है। जंजीर दोनों हैं, आपको लोहे की जंजीर कोई 1 किलो की वजन पहनाए तुम नहीं पहनोगे, निकाल के डाल दोगे, लेकिन सोने की जंजीर कोई 5 किलो की पहनाए तो तुम हंसते हंसते पहन लोगे कि गर्दन भले टूट जाए लेकिन सोना मिल जाएगा। मैं सभी माताओं बहनों को देखता हूँ सोने की जंजीर, सोने का मंगलसूत्र, सोने का हार पहनती है, लेकिन आज तक किसी महिला को लोहे की जंजीर पहने हुए नहीं देखा। सोना अपने आप में एक प्रभाव रखता है, सोने की चमक निराली होती है और सोना माताओं के बदन पर शोभा बढ़ाता है। अब कितने पुरुष लोग भी माताओं के कंपटीशन में सोने की जंजीर के बजाय सोने का जंजीरा पहनने लगे। एक पुरुष को मैंने देखा और पूछा ये जंजीर कितनी वजन है, बोले 1/2 किलो। हमने कहा पीतल की है सोने की, बोले शुद्ध सोना है। तो हमने कहा तुम्हारी वाइफ, बोले वो 250 ग्राम की पहनती है। मैंने कहा तुम डबल क्यों पहनते हो, बोले मैं उससे कम नहीं हूँ। सोने की जंजीर, महिलाओं के बदन पर कुछ न कुछ सोना होना चाहिए। कभी नाराज होकर के रूठ कर ससुराल से कहीं चली जाएं तो कम से कम 10-5 लाख की व्यवस्था साथ में रहना चाहिए। पुरुषों के बदन पर भी कुछ नहीं तो थोड़ा सा सोना होना चाहिए, कहीं तुम्हें घर छोड़कर भागना पड़े तो साथ में 2-4 लाख का सोना हो। दिल्ली बॉम्बे में भुना लो तो रोटी धोती का इंतजाम हो जाए। थोड़ा ये बात सुन करके जितने स्वर्णकार हैं वे खुश होंगे, वे सोचेंगे गुरुदेव सुना रहे मेरा सोना चांदी खूब बिकेगा। लेकिन याद रखना सोना चांदी से भी कीमती तुम हो। पशु पंछियों के लिए सोना चांदी हीरा जवाहरात की कीमत कोई नहीं है, मनुष्य ही इन सब धातुओं की कीमत को निर्धारित करता है। सृष्टि में सभी चीजों को कीमती बनाने वाला मनुष्य, तो सोचिए मनुष्य स्वयं कितना कीमती होगा। मनुष्य फूलों को छू लेता है तो माला बना देता है, मिट्टी को छू लेता है तो ईंट और मटका बना देता है, लोहे को छू लेता है तो साइकिल मोटरसाइकिल कार ट्रेन एरोप्लेन बना देता है। मनुष्य के हाथों में बहुत बड़ी कला है। महिलाएं अन्न को छू लेती है, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी समोसा गोलगप्पे बना देती है, कितनी बड़ी कला है। पर वही मनुष्य जब क्रोधित हो जाता है तो जो बनाया है उसको बिगाड़ भी देता है, विनाश भी कर देता है। विकास और विनाश दोनों करने की सामर्थ्य मनुष्य में है। जब तुम सृजन करते हो बहुत से लोगों को सुविधा मिलती है, जब तुम विसर्जन करते हो बहुत लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। आज सृष्टि में
कितने देश एटम बम बना रहे हैं, अणु बम परमाणु बम तैयार कर रहे हैं, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ये कोरोना जैविक हथियार है जो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, मिलिट्री के द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, एक साधारण वायरस के माध्यम से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसका पहला प्रैक्टिकल हो चुका है। ये छोटा सा वायरस पूरे विश्व को संकट में डाल चुका है। ये जैविक युद्ध का शुभारंभ है। लेकिन याद रखना, वहीं समस्त विश्व के देश जितने हैं उनके राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्रियों से कहूँगा, कोई ऐसा वायरस तैयार करिए जिस वायरस से विश्व में किसी भी प्राणी को कोई बीमारी ही ना हो, बल्कि जो बीमार हैं वह भी स्वस्थ हो जाए, ऐसे वायरस का सृजन कीजिए। सकारात्मक सोच, विश्व कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना जिसके मन में उठती हो, याद रखना वो साधारण नहीं है। वो नर के रूप में नारायण है, नारी के रूप में नारायणी है, और वो धरती का देवी और देवता है जिसके मन में सबका कल्याण और सबके निरोगी और सबके सुखी होने का भाव जागृत होता है। मनुष्य ईर्ष्या से भी भर जाता है, अपने परिवार और कुटुंबियों से भी जलन करने लगता है, देवरानी जेठानी को देख करके जलती रहती है, और जेठानी देवरानी को देख करके जेठ जैसे तपती रहती है, अंगार बरसाती है, विवेक नहीं है। भाई भाई एक दूसरे की बुराई में रात दिन लगे हुए हैं, ये कलयुग की परिभाषा है। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को देखते ही 100-100 ग्राम खून अपना जला लेते हैं, दूसरे की उन्नति को देख करके सीने पे सांप लौट जाते हैं। याद रखना, इस भावना को ईर्ष्या की भावना कहते हैं, और ईर्ष्या वह अग्नि है जो बाहर न दिखती है न जलती है, लेकिन जिसके भीतर अग्नि प्रकट होती है उसकी सुख शांति को, उसके आनंद को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए प्रेम को विकसित कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत करो, अच्छे इंसान बनो, अच्छी उन्नति करो, खुद का विकास करो और दूसरों के विकास में भी मदद करो। कितने पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे से जलते रहते हैं, पति अपनी पत्नी की निंदा बुराई करता रहता है और पत्नी अपने पति को गधा बताती रहती है कि ये गधा है, तो बच्चे पूछते हैं पापा यदि गधा है तो मम्मी तू, तो बोले मैं गधी हूँ, तो बोले फिर हम, बोले तू गधे के बच्चे। पति पत्नी में प्रियता बढ़ाई है, उन आदतों को छोड़िए जिनके कारण रिश्तों में दरार, रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में तकरार होती है।
उस वाणी को बदल दीजिए, उस आलस्य को छोड़ दीजिए, उस मनमानी स्वभाव को चेंज कर लीजिए, फिजूल खर्ची की आदतों को भी त्याग करिए, धन कमाइए, धन बचाइए और उस धन को थोड़ा धर्म में लगाइए। कल मैं शिवनी मालवा गया था, परम भक्त श्री नरेंद्र मालवी जी के यहाँ खड़े हुए, पति पत्नी बेटे बहू सब आए थे, बड़ी श्रद्धा है। मार्केट में मेन रोड पर घर है, खड़ी हो जाओ, ये बहू भी है, बेटा भी आया है, कहाँ है ढूंढो उसको, उधर क्यों बैठे हो, इधर आगे आओ, नीलेश आगे आओ। जब उनके घर में पहुंचा, बैठो बिराजो, देखा मैंने तो जितना बड़ा घर है उससे कई गुना बड़ा उनका श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव कई गुना बड़ा। मुझे वहां शिवरी का दर्शन हुआ, मीराबाई जैसी भक्ति की झलक दिखाई दी। 18 प्रकार का जलपान रेडी किया, मैं तो सब काउंटिंग ही करता रहा, सिमई खा लिया, बाकी दृष्टि भोग लगाकर आगे बढ़ा दिया। साथ में भक्त संत गए थे, सबने ग्रहण किया। श्रद्धा और संतोष दोनों चीजें आपके जीवन के दुख को सुख में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखती है। जिनको जीवन में खुश रहना है उन्हें गुरु के चरणों में श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। और गुरु वैराग्यवान, वैराग्यवान का अर्थ होता है जो भोगी ना हो, ढोंगी ना हो, जिसमें विषय भोगों के प्रति त्याग हो, ऐसा गुरु। और उसके चरणों में श्रद्धा, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से इंद्रियां वश में होती है और उससे आपको शांति और सुख मिलता है। कबीर कहते हैं कि इंद्री कहां करे विश्रामा, इंद्रियां विश्राम कहां पाती है। आप मनोरम दृश्य को देखते देखते आपकी आंखें थक जाती है, लेकिन फिर भी मन नहीं थकता है, मन और देखने को कहता है। मैं काठमांडू प्रथम बार गया तो वहाँ बहुत सुंदर पहाड़ों को देखा, 4-5 घंटे में देखता रहा, अच्छे अच्छे पहाड़, आंखें थक गई। तो मैंने कहा रे यही तो संसार है, देखने की चाह फिर खत्म हो गई, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह है और नहीं सुनने की चाह है, केवल तन निर्वाह, केवल तन निर्वाह। फिजूल की चाहनाओं का अंत कीजिए, फिजूल में घूमने की आदत को भी समाप्त कीजिए। पिकनिक मनाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए वे लोग जाते हैं जो अपने घर में ज्यादा परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। जो बहू बेटे अपने सास ससुर से ज्यादा परेशान है वे बार बार घूमने के लिए जाएंगे, कोई तीर्थ के बहाने जाएंगे, कोई समुद्र देखने जाएंगे, कहीं विदेश यात्रा करेंगे, सोचते हैं किसी तरह से सास ससुर से छुटकारा तो मिले, 10 दिन के लिए तो पिंड छूट जाए, 10 दिन के लिए निकल जाते हैं। जो सास ससुर बहुत परेशान हो गए हैं बेटे बहू से, वे भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं कि चलो उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन करता हूँ, घर ही में बहू के रूप में महाकाली बैठी है,
और महाकाल तो बेटा ही है, अब वहाँ वो जैन गए वहाँ भी महाकाल, अब सब जगह काल ही काल है, जीने लायक कोई जगह नहीं। इससे कहाँ सुख मिलने वाला है। 10 दिन घूमो 20 दिन घूमो, घूम घाम के फिर तो घर ही आना पड़ेगा। घूमने से बेहतर है अपने मन को घुमाना सीखो, मन को थोड़ा डाइवर्ट करना सीखो, वाणी को डाइवर्ट करना सीखो, घर ही में मौज मस्ती से रहो। और बाहर घूमने की इच्छा हो तो याद रखना, घर के दुख, दुकान के दुख, समाज के दुख, रिलेशन के दुख, सभी दुख मिट सकते हैं, समय निकाल कर सत्संग में जाओ। बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कभी न कभी तो असर पड़ेगा, नीचपना कम हो जाएगा, पड़ेगा सर। सत्संग ही आपको सुख दे सकता है। काक भुसुंडी ने गुरुड़ जी से कहा है, गुरुड़ जी ने पूछा, हे भुसुंडी, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, दुख क्यों होता है और सुख कैसे मिल सकता है। भुसुंडी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। गाइए, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत की बात की गई है, असंत की बात नहीं है, केवल भेषधारी संत की भी बात नहीं कि भेष संत का पहन लिया, कपड़ा संत का है, काम गृहस्थ से भी गिरा गुजरा, उससे कुछ नहीं होने, उसके दर्शन से और खतरा है, तुम भी बिगड़ सकते। कितने डुप्लीकेट साधुओं ने पूरा पूरा गांव बिगाड़ा है, सबको गांजा पीना सिखा दिया। SDM लखीमपुर के कह रहे थे कि मुझे अपनी जन्मभूमि जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बोले लाठी लेकर जाना पड़ेगा। हमने कहा SDM हो, कैसी बात करते। अरे बोले, एक साधु आया है, पूरे गांव के नवयुवकों को गांजा पीना भांग खाना सिखा दिया है, पूरा गांव बिगड़ गया, अब हम ही जाएंगे और 10-20 लोग एकता बनाकर लाठी से मारेंगे तभी ठीक। हमने कहा, अरे संत के चरण पखारे जाते, आरती की जाती। बोले आरती नहीं, खोपड़ी फारती कर दे। ये कोई संत है नालायक, पूरा पूरे गाँव को बिगाड़ दिया। सभी को साधु का भेष नहीं पहनना चाहिए। साधुता हृदय में हो, साधुता आचरण में हो, साधुता वाणी में हो, साधुता स्वभाव में हो, साधुता आपके कर्मों में हो, आपके व्यवहार में साधुता हो, तभी साधु का भेष पहनना चाहिए। साधु का मतलब है त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य से जो विभूषित है वो साधु है। ये केवल भंडारा खाने के लिए कि रोज हलवा मिलता है इसलिए साधु हम बन जाएं, बहुत गलत बात है। हलवा हलवा नहीं मिलेगा, बहुत मारे जाओगे। तो कितने साधु भेष में लोग मारे भी गए, बहुत मारे गए। अब मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब कोई डुप्लीकेट साधु मारा जाता है, तो मारने वाले को आशीर्वाद देता हूं कि तुम तर गए, दुष्ट को पीट दिया, अच्छा किया। क्यों? नकली सिंह की खाल को ओढ़ लेने से कोई कुत्ता सिंह नहीं बन जाता है, साधु का भेष पहन लेने से कोई लफंगा व्यक्ति साधु नहीं हो जाता है। अरे साधु भेष का बहुत बड़ा सम्मान हो, साधु भेष की मर्यादा रखो। और साधु के दर्शन से सुख मिलता है ऐसा भुसुंडी कहते हैं, तो आप ये सोचो जो सच में साधु होगा उसको कितना सुख मिलता होगा।
अरे उसके दर्शन करने वालों को सुख मिलता है, बोलो माताओं बहनों, तो उसको कितना सुख मिलता होगा जो खुद साधु ही है। अब गुड़ खाने से, पेड़ा खाने से खाने वाले को मिठास आती है, तो पेड़ा से पूछो कि पेड़ा का क्या हाल है, वो तो पूरा मीठा है ही, तो ही तो मिठास आती है। अभी हमारे पास में श्री महेश चंद्र जी, जिलानिया गांव है, जिलानिया की, जिलानिया गांव से आए, दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम है। अशोक जी खड़े हो जाए। सिराली में सत्संग बढ़ चढ़ कर कराया था, यहाँ के सत्संग में भी खड़े रहो, बैठते क्यों, उधर भी मुड़ के देखो, एक डिब्बा पेड़ा लाए, बैठो अब बैठ जाओ, पेड़ा लाए तो मुझे क्या पता इसमें पेड़ा है, मैं बचपन में पेड़ा खाता था, लेकिन साधु बना तो पाता भी नहीं हो तो खाता भी नहीं हूँ, कभी कभी पा जाता हूँ तो खा लेता हूँ। साधु बनने में पूरा मन को रोकना पड़ता है, ऐसे थोड़े वहाँ होटल पे जाके पेड़ा खा रहे हैं, खड़े मत होना उधर, इधर आ ए बाबा। साधु का मतलब है पूरे मन को काबू रखना, वो साधु। हम अपने मन का कपड़ा भी नहीं पहनते, हाँ भक्त जो ला देता है उसी में सेटिंग करके पहन लेते, मनमानी का काम सब खत्म हो गया, ना मनमानी के चप्पल पहनते हैं, ना जूता पहनते हैं, ना गिलास ना कटोरी कुछ भी नहीं, उड़ने का कंबल उम्बल जो भक्त जी लाती है बस उसी में खुश है। बहुत सुख इसीलिए मिला, सुख उसी को मिलता है जो हर कंडीशन पोजीशन सिचुएशन लोकेशन में सुखी रहता है, खुश रहता है, उसे सुख मिलता है। तो उन्होंने कहा एक पेड़ा खाओ, मैंने कहा ब्यास गादी पर खाया नहीं जाता है, भले भगवान राम ने शिव जी के बेर खाए थे, तो मैं सोचा तर्क वितर्क कौन करे, भक्त से तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि भाव से भरा हुआ है, तो मैंने खोला एक पेड़ा खाया, फिर उनको दिया तो उन्होंने भी एक लिया, सबको दिया, फिर आधा तो बट गया और आधा बचा है, अब देखो किसके भाग्य में है। पर पेड़ा बहुत मीठा था, पेड़ा बहुत मीठा सुंदर। तो जो संत के दर्शन से सुख मिलता है, दुर्गा प्रसाद जाट समझना इस बात को, तो संत को कितना सुख मिलता होगा सोचो, संत तो सुख का स्वरूप ही होगा, तभी तो उसके दर्शन से सुख मिलता है। आज मुझे एक भक्त मिले, गाड़ी में मैं बैठा आ रहा था, तो कह रहे थे गुरुजी आपके जब मैं पैर छूता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमने कहा छू लो, खड़े हो जाओ, जो भगत ऐसा बोल रहे थे, दो थे ये, दो ये बोल रहे थे आपके चरण छूता। एक भक्त बोल रहा था जब पहली बार चरण छुआ तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मक्खन जैसा कोमल चरण है, तो हमने कहा कोमल ही होना है, चरण भी कोमल, आचरण भी कोमल, गुरु जी का मन भी कोमल, जीवन भी कोमल, तभी तो जगत के लोगों के कठोर दुखों को गुरुदेव समाप्त कर पाएंगे जब वो हर चीज में कोमल होंगे। गुरु पुष्प और बहु, ये तीन बहुत कोमल होते हैं, इनको संभालने के लिए काफी सावधानी रखना चाहिए। गुरु के साथ में कभी कठोर व्यवहार मत कीजिए, बहू के साथ में कभी भी कठोर बर्ताव मत कीजिए, फूल को पुष्प को कठोर उंगलियों से मत पकड़िए, दब जाएगा, कुचल जाएगा, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। याद रखना तीन चीजें बताए मैंने,
गुरु, बहू और पुष्प संभाल के रखना। और ये तीनों जहां रहते हैं वहां की शोभा बढ़ाते हैं। यदि गृहस्थ के घर में बहू नहीं है तो गृहस्थ का घर सूना है, उसका भविष्य अंधेरे में। और जिस आश्रम में गुरु नहीं है उस आश्रम में अंधकार है, उसकी रौनक खत्म। और जिस पूजा पाठ में पुष्प नहीं है वहां की भी रौनक खत्म हो जाती है। एक दिन मैंने अपने गुरु को नेपाल भेजा, मैं तो आश्रम पर था, तो मेरे गुरुजी नीचे मंजिल में सबको दर्शन देते हैं, मैं तो कभी वहाँ नीचे मंजिल आता भी नहीं है, बस टहलना हुआ तब आता। तो उस दिन सोना सोना लग रहा था, गुरु को मैंने भेज दिया नेपाल जाऊँगा, अभी 15 दिन पहले ही भेजा। गुरु बोले जहाँ भेजोगे वहाँ चला जाऊँगा, नेपाल भेजो चाहे बंगाल भेजो चाहे भोपाल भी। हमारे गुरु बहुत सरल भी है। जब सभी संतों की सेवा की ड्यूटियां मैं लगाता हूं तो मेरे गुरुजी कहते हैं हमारी क्या ड्यूटी लगाया है। मैंने कहा गुरु की ड्यूटी शिष्य नहीं लगा सकता है, गुरु की ड्यूटी ऑलरेडी लगी रहती है, आपकी ड्यूटी यही है कि दर्शन दो, आशीर्वाद दो और भक्त आए तो उनको थोड़ा ज्ञान दो, बस यही ड्यूटी। गुरु की ड्यूटी हम थोड़े लगाएंगे, लेकिन वो पूछ